12 जुलाई 2024 को वर्ष 2024 का सबसे बड़ा और सबसे भव्य इवेंट होने वाला है। 12 जुलाई 2024 को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट विवाह बंधन में बंध हमेशा के लिए एक दूजे के हो जाएंगे। हमने देखा कि इनके प्री वेडिंग समारोह की चमक पूरी दुनिया में बिखर गई थी। दुनिया के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भारत में इस समारोह को अटेंड करने के लिए आए थे। उस समारोह की भव्यता देखकर हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की भव्यता उनके विवाह समारोह में देखने के लिए मिलेगी। ऐसे में हर व्यक्ति के मन में एक प्रश्न है कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के विवाह का भविष्य क्या रहने वाला है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के भाग्य में किस प्रकार का वैवाहिक सुख है, क्योंकि राधिका मर्चेंट जहां दुनिया की किसी भी सबसे खूबसूरत महिला को अपनी खूबसूरती से मात दे सकती हैं, वहीं अनंत अंबानी एक बहुत ही साधारण लुक वाले व्यक्ति हैं। साथ ही साथ अनंत अंबानी ओवरवेट से गुजर रहे हैं, अनंत अंबानी अस्थमा जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। तो ऐसे में सभी के मन में यह प्रश्न है कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होकर किस तरह से इस विवाह को आगे चला पाएंगे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए एक अच्छी हेल्थ पैसे से भी ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी विवाह केवल पैसे के दम पर नहीं चल सकता। विवाह चलाने के लिए व्यक्ति के पास फिजिकल अपीयरेंस और हेल्थ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं किसी भी विवाह में प्रेम का होना भी, समर्पण का होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपनी इस हेल्थ के साथ अनंत अंबानी किस तरह से अपने विवाह को चला पाएंगे और राधिका मर्चेंट किस तरह का समर्पण अंबानी परिवार के लिए और अनंत अंबानी के लिए रख पाएंगे, आज के इस वीडियो में हम अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की जन्म कुंडली के द्वारा इसी का विश्लेषण करने वाले विश्लेषण करेंगे कि इनकी जन्म कुंडली में किस प्रकार के वैवाहिक सुख के योग हैं, इनका विवाह किस प्रकार का रहने वाला है, क्या क्या समस्याएँ कब कब इनके वैवाहिक जीवन में आ सकती हैं। राधिका मर्चेंट का जन्म 18 दिसंबर 1994 को हुआ। क्योंकि हमारे पास उनके जन्म का सही समय उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में हम भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष के नियम अनुसार जीव लगन के आधार पर उनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जीव लगन के आधार पर जब हम उनकी जन्म कुंडली बनाते हैं तो शुक्र यहाँ पर तुला राशि में है, जिस कारण कि इनका जीव लगन तुला है। वैवाहिक सुख के लिए नाड़ी ज्योतिष में शुक्र व मंगल को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है। वह शुक्र व मंगल से सप्तम भाव को प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष स्पष्ट रूप से कहती है कि किसी स्त्री की जन्म कुंडली में मंगल उसके पति का कारक है और शुक्र उस स्त्री को प्रदर्शित करता है। तो ऐसे में हम जब यहाँ जीव लगन के आधार पर सप्तम भाव का विश्लेषण करते हैं, तब यहाँ पर सप्तम भाव में केतु बैठे हैं। जीव लगन से अथवा मुख्य लगन से सप्तम भाव में जब भी राहु केतु का प्रभाव आता है तो सबसे पहला विचार मन में यही आता है कि यहाँ पर वैवाहिक सुख में किसी न किसी तरह की परेशानी है, क्योंकि राहु केतु को ज्योतिष शास्त्र में सेपरेटिव प्लैनेट माना गया है, बाधा का कारक माना गया है। सप्तम भाव में केतु का बैठना अर्थात वैवाहिक सुख में एक बाधा, सप्तम भाव में केतु का बैठना अर्थात वैवाहिक सुख में किसी न किसी प्रकार की सेपरेशन जैसी स्थितियां उत्पन्न होने की संभावना होती है। किंतु केवल सप्तम भाव में किसी ग्रह के बैठने मात्र से ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर वैवाहिक सुख होगा ही नहीं, हमें उसके लिए मंगल की स्थिति को भी देखना अति आवश्यक है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो मंगल जो कि पति कारक हैं वे सिंह राशि में बैठे हैं। मंगल का सिंह राशि में बैठना अपने आप में यह दिखाता है कि पति का स्टेटस क्या होगा। मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में आपसे कहा था कि सिंह राशि में जब भी कोई ग्रह बैठता है तो वह अपने आप में राजयोग कारक हो जाता है, उस ग्रह को अपने आप में बहुत ही बड़ा स्टेटस मिल जाता है। अब क्योंकि मंगल पति का कारक ग्रह है तो मंगल यहाँ सिंह राशि में बैठकर यहाँ पर दिखाता है कि पति के पास एक रॉयल स्टेटस है। अगर हम राधिका मर्चेंट के मुकाबले अनंत अंबानी का लाइफ स्टाइल या सोशल स्टेटस देखेंगे तो अनंत अंबानी किसी राजा से भी अच्छा जीवन जी रहे हैं। ना उनके पास धन की कमी है, ना मान सम्मान की कमी है, ना ही उनके पास पॉलिटिकल सपोर्ट की कमी है, ना ही उनके पास प्रशासनिक सपोर्ट की कमी है। तो ऐसे में मंगल का सिंह राशि में बैठना ये दिखाता है कि
इस स्त्री का जिस भी जातक से विवाह होगा उस जातक का सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई होगा। अब इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो मंगल सिंह राशि में बैठा है और मंगल के त्रिकोण में केतु है, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष कहती है कि एक दूसरे से त्रिकोण में बैठने वाले ग्रह एक दूसरे पर दृष्टि रखते हैं, उनको युति संबंध की तरह भी आप मान सकते हैं। अब नाड़ी ज्योतिष में केतु को झंडे का कारक माना गया है और मंगल यहाँ पर बैठा है सिंह राशि में, तो ऐसे में मंगल के पास एक झंडा है, एक रॉयल स्टेटस है, किंतु मंगल के ऊपर केतु का प्रभाव नकारात्मकता भी दिखाता है। देखिएगा आप किसी भी फीमेल के होरोस्कोप में, जिस भी फीमेल के होरोस्कोप में मंगल के ऊपर केतु का प्रभाव होगा, आप देखेंगे वह लेडी अपनी मैरिड लाइफ से कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाती, क्योंकि मंगल जहां पति की शारीरिक ऊर्जा है वहीं केतु कंट्रोलर है, तो ऐसे में दिखाता है कि पति की शारीरिक ऊर्जा को कहीं ना कहीं केतु कंट्रोल कर लेता है। इस वजह से कई बार ये परेशानियां देखी जाती हैं कि ऐसी महिला अपने पति से सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं हो पाती, या फिर कई बार ऐसा होता है कि पति को अपनी फैमिली में उतना बड़ा मान सम्मान नहीं मिल पाता जितना कि महिला अपने पति के लिए चाहती है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि जब जॉइंट फैमिली में किसी ऐसी लेडी का विवाह हो जाता है जिसकी कुंडली में मंगल केतु का योग है, तो वहाँ पर ये देखने में आता है कि परिवार में जितने भी बाकी लोग हैं उन सब में महिला के पति का स्टेटस सबसे कम होता है, या महिला के पति के पास सबसे कम सोर्स ऑफ इनकम होता है, जिस वजह से भी महिला अपने पति से सेटिस्फाई नहीं हो पाती। कई बार यह भी देखने में आता है कि जिस महिला की कुंडली में मंगल के ऊपर केतु का प्रभाव आता है ऐसी जाति का पति सांसारिक विषयों में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रखता, क्योंकि केतु को मोक्ष का वैराग्य का कारक भी माना गया है, अर्थात पति को वैरागी स्वभाव दे रहा है। तो ऐसे में जब किसी स्त्री के पति में वैरागी स्वभाव आ जाता है तो ऐसी जातिका के लिए कई बार यह भी अपने आप में एक अभिशाप बनकर रह जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मंगल के ऊपर केतु का यह प्रभाव किसी न किसी तरह से दिखाता है कि राधिका मर्चेंट अपने पति से पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं रह सकती। इसके बाद आप देखेंगे कि शनि की सप्तम दृष्टि मंगल पर है। शनि की सप्तम दृष्टि मंगल पर होना और केतु का प्रभाव होना अपने आप में एक पूर्ण वैरागी का योग बना देती है, क्योंकि शनि को ज्योतिष शास्त्र में भगवान शिव का कारक माना गया है। आप देखेंगे जिस भी महिला के शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर होगी उस महिला के पति में एक सांसारिक विषयों में बहुत ज्यादा रुचि नहीं होगी अगर किसी तरह से केतु का प्रभाव भी आ जाए तो शनि मंगल और केतु का योग वैवाहिक जीवन के लिए किसी भी स्त्री की कुंडली में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। बहुत बार देखा गया है कि वैवाहिक जीवन में किसी तरह की परेशानी आती ही आती है। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस जन्म कुंडली में शुक्र जो कि जीव कारक ग्रह है, जो कि राधिका मर्चेंट को शो करता है, वह यहाँ पर राहु के साथ में बैठा है। राहु इनको ना केवल सुंदरता देता है बल्कि एक ग्लैमरस लाइफस्टाइल देने की भी कोशिश करता है। अब आप देखेंगे शुक्र राहु के साथ में बैठ गया जो कि भोग विलास का कारक है, और मंगल जो कि पति का कारक है वो केतु के साथ में बैठ गया जो कि वैराग्य का कारक है। तो ऐसे में यह तो स्पष्ट है कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट दोनों एक दूसरे से अपोजिट नेचर के हैं, और राधिका मर्चेंट की जन्म कुंडली में मंगल के ऊपर आने वाले प्रभाव दिखाते हैं कि किसी न किसी तरह की परेशानी उनके वैवाहिक जीवन में आएगी ही आएगी। अब हालांकि मंगल को अपने त्रिकोण से सूर्य का सपोर्ट मिल रहा है, मंगल और सूर्य का संबंध यह बन रहा है, तो ये दिखाता है कि हस्बैंड एनी हाउ इन सारी परेशानियों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। अब ये देखने वाली बात है कि कितना कंट्रोल अनंत अंबानी कर पाते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए आइए हम अनंत अंबानी की जन्म कुंडली की तरफ चलते हैं। अनंत अंबानी की जन्म कुंडली, क्योंकि अनंत और राधिका का विवाह हो रहा है तो अनंत अंबानी की जन्म कुंडली भी उसी तरह के योगों की प्रॉमिस करना चाहिए जिस तरह के योग राधिका मर्चेंट की जन्म कुंडली प्रॉमिस कर रही है। अगर राधिका मर्चेंट की जन्म कुंडली में
वैवाहिक जीवन में परेशानी के योग हैं, तो अनंत की कुंडली में भी उस तरह के योग होने चाहिए, तभी ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर वैवाहिक जीवन में वास्तव में परेशानी है। अनंत अंबानी की जन्म कुंडली जब हम जीव लग्न के आधार पर बनाते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि वृक्षिक लग्न उदय होता है, क्योंकि गुरु यहाँ पर वृक्षिक राशि में है। अनंत अंबानी की जन्म कुंडली का विश्लेषण मैंने अब से 2 महीने पहले जब अपने चैनल पर किया था, तब मैंने आपसे स्पष्ट रूप से कहा था, क्योंकि गुरु यहाँ पर वक्री है और वक्री होकर वह द्वादश भाव में प्रभाव ले रहा है, तो यहाँ पर गुरु और राहु का योग बन रहा है। गुरु राहु का यह योग दिखाता है कि अनंत अंबानी की हेल्थ बहुत अच्छी भविष्य में भी नहीं रहने वाली है। उसके बाद आप देखेंगे गुरु के सप्तम भाव से गुरु को किसी प्रकार का सपोर्ट प्राप्त नहीं होता, गुरु के द्वितीय भाव से कोई सपोर्ट प्राप्त नहीं होता, द्वादश भाव में राहु है, तो ऐसे में हेल्थ इशू अनंत अंबानी को रहेंगे ही रहेंगे। उनके जीवन पर हमेशा शारीरिक व्याधियों का साया मंडराता रहेगा। अब क्योंकि हमारा यहाँ पर मुख्य विषय है इनका विवाह, तो ऐसे में हमें जीव लगन से सप्तम भाव के स्वामी और शुक्र की स्थिति देखनी होगी। और यहाँ पर आप देखेंगे सप्तम भाव के स्वामी, जीव लगन से सप्तम भाव के स्वामी शुक्र है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नाड़ी ज्योतिष में शुक्र को पत्नी का कारक माना गया है और मंगल को पति का कारक माना गया है। जब हमने राधिका मर्चेंट की जन्म कुंडली देखी तो आप देखेंगे ये अपने आप में नियति का एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि पति पत्नी की जन्म कुंडली एक दूसरे की पूरक मिलती ही मिलती हैं। हमने जब राधिका की कुंडली देखी तब हमने देखा कि जीव लगन से सप्तम भाव के स्वामी मंगल हैं, जो कि नैसर्गिक रूप से पति के कारक हैं, और जब हम अनंत अंबानी की कुंडली देखते हैं तो यहाँ पर जीव लगन से सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि नैसर्गिक रूप से पत्नी के कारक हैं। तो यहाँ पर ये दोनों कुंडलियाँ एक दूसरे को वेरीफाई करती हैं कि ये किस तरह से मेड टू ईच अदर बने हैं, किस तरह से ये एक दूसरे से विवाह करने वाले हैं। क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं कि पति की जन्म कुंडली में बनने वाले योग पत्नी की जन्म कुंडली में ना मिले और पत्नी की जन्म कुंडली में बनने वाले योग पति की जन्म कुंडली में ना मिले। यहाँ पर जब हम जीव लगन से वेरीफाई करते हैं तो मंगल और शुक्र की स्थिति पूरी तरह से वेरीफाई करती है कि ये मेड फॉर ईच अदर है, इनका विवाह होगा ही होगा। अब आप देखिएगा शुक्र यहाँ पर पत्नी के कारक हैं। अब शुक्र की स्थिति अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो शुक्र यहाँ पर शनि के साथ में युति में है। शुक्र का शनि के साथ में युति में होना यह दिखाता है कि वाइफ हाईली प्रोफेशनल होगी, वाइफ के लिए अपना वर्क, अपना प्रोफेशन अपने आप में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे शुक्र के त्रिकोण में यहाँ पर राहु बैठा है, अर्थात वाइफ ना केवल प्रोफेशनल होगी बल्कि ग्लैमरस लाइफ स्टाइल वाली भी होगी। वाइफ का भोग विलास में अत्यधिक मन होगा, सांसारिक विषयों में अत्यधिक मन होगा। बात करें वैवाहिक सुख की तो आप यहां पर देखेंगे कि पति का कारक मंगल यहां अपनी नीच राशि में है। मंगल किसी पुरुष के लिए उसकी पौरुष शक्ति है, उसकी सेक्सुअल एनर्जी मंगल है। अब मंगल यहाँ पर अपनी नीच राशि में बैठा है, मंगल का नीच राशि में बैठना यह दिखाता है कि अनंत अंबानी की शारीरिक शक्ति कहीं ना कहीं कम है, पौरुष शक्ति कहीं ना कहीं कम है। और यही स्थिति आप राधिका की कुंडली से भी देख सकते थे। आपने देखा राधिका की कुंडली में मंगल के ऊपर केतु का प्रभाव है, मंगल और केतु का यह योग दिखा रहा था कि हस्बैंड का किसी तरह से वैराग से रिलेशन है, सांसारिक विषयों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अब सांसारिक विषयों में 2 स्थितियों में लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता, पहली स्थिति कि व्यक्ति वैरागी स्वभाव का है, या फिर दूसरी स्थिति व्यक्ति सांसारिक विषयों को भोगने में सक्षम नहीं है। अब अनंत अंबानी की कुंडली में देखेंगे तो मंगल यहाँ पर अपनी नीच राशि में पौरुष शक्ति कम है, तो जब पौरुष शक्ति व्यक्ति के अंदर कम होगी, फिजिकल स्ट्रेंथ किसी व्यक्ति के अंदर कम होगी, तो ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्षम ना होने के कारण सांसारिक विषयों को बहुत अच्छे से भोग नहीं सकता। क्योंकि भोगने के लिए आपके पास शरीर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमारे सनातन में कहा गया पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास में हो माया। किसी व्यक्ति के पास कितना भी धन क्यों ना हो किंतु अगर उसकी काया निरोगी नहीं है तो उस धन का होना ना होना व्यर्थ है, क्योंकि धन को भोगने के लिए शरीर चाहिए, मन चाहिए। जब आपका शरीर आपका मन ही आपके साथ नहीं होगा तो दुनिया भर का धन आपके लिए व्यर्थ है, दुनिया भर का सौंदर्य आपके लिए व्यर्थ है, दुनिया भर की स्त्री आपके लिए व्यर्थ है। तो यहाँ पर मंगल की स्थिति दिखाती है कि अनंत अंबानी में उतनी बड़ी शारीरिक ऊर्जा नहीं है, और शुक्र जो कि पत्नी है
उसके ऊपर राहु का प्रभाव है, तो वहाँ पर पत्नी के अंदर एक अच्छी खासी फिजिकल एनर्जी है। इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर सप्तम भाव पाप कर्तरी में है, क्योंकि आप देखेंगे सिक्स हाउस में केतु बैठा है और सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है, और जब सप्तम भाव में कोई ग्रह ना हो, सप्तम पर किसी तरह की दृष्टि ना हो, तो राहु का प्रभाव त्रिकोण से यहाँ आ जाता है। तो ऐसे में सप्तम भाव एक तरह से पाप कर्तरी में आया था। सप्तम भाव का पाप कर्तरी में आना यह दिखाता है कि यहाँ पर वैवाहिक सुख में भी यहाँ पर भी एक बार से कमी है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पति पत्नी की कुंडली में बनने वाले योग एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, दिखाते हैं। तो आप देखेंगे कि राधिका की कुंडली में शुक्र राहु का योग है, जो कि दिखाता है कि राधिका बहुत सुंदर है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी कहा है कि शुक्र के ऊपर जब भी राहु का प्रभाव आता है तो वह स्त्री को सुंदरता देता है और पुरुष को धन देता है, साथ ही साथ सुंदर पत्नी देता है। तो राधिका की कुंडली में शुक्र राहु का योग दिखा रहा है कि राधिका बहुत सुंदर है, और अनंत की कुंडली में शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव दिखा रहा है कि इस जातक को बहुत ज़्यादा सुंदर पत्नी भी मिलेगी और बहुत ही अच्छा धन भी मिलेगा। साथ ही साथ पत्नी जो होगी वो प्रोफेशनल माइंड होगी। अब राधिका की कुंडली में भी आप देखेंगे शुक्र के त्रिकोण में शनि बैठे हैं, शनि जो कि कर्म के कारक ग्रह हैं। तो यहाँ पर शुक्र शनि और राहु का योग दिखा रहा है कि ये लड़की ना केवल सुंदर है बल्कि प्रोफेशनल माइंड भी है, और यही चीज़ अनंत की जन्म कुंडली से भी वेरीफाई हो रही है। यहाँ पर भी शुक्र शनि और राहु का योग बन रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे राधिका की कुंडली में भी मंगल का सिंह राशि में बैठना और उसके त्रिकोण में केतु का होना और साथ ही साथ कोई सपोर्ट ना होना मंगल को, यह दिखाता है कि पति को किसी न किसी तरह की फिजिकल प्रॉब्लम है, और यही चीज अनंत की कुंडली में भी गुरु के वक्री होने ने दिखाई। इसके बाद एक प्रश्न आता है कि अगर इनकी जीवन में किसी तरह का कोई तनाव है, किसी तरह का कोई तनाव उत्पन्न हो सकता है, तो ये कब उत्पन्न होगा, किस एज में उत्पन्न होगा, शादी के कितने वर्ष बाद उत्पन्न होगा, होगा भी नहीं होगा। तो देखिएगा, सबसे पहली चीज़ तो ये है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जन्म कुंडली में बनने वाले योग अपना काम करते हैं, किंतु अगर व्यक्ति प्रयास करे तो उन योगों के प्रभावों को कम किया जा सकता है। अर्थात अगर राधिका और अनंत प्रयास करें एक सुखी वैवाहिक जीवन का, तो निश्चित तौर पर ये एक सुखी वैवाहिक जीवन जी सकते हैं, क्योंकि मनुष्य की इच्छा शक्ति के आगे जन्म कुंडली में बनने वाले बड़े से बड़े योग अपने आप में ध्वस्त हो जाते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई दुर्योग बनते हैं और वह व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति से उन दुर्योगों का सामना करता है, तब वो दुर्योग अपना प्रभाव छोड़ देते। तो ऐसे में सबसे पहले तो ये देखना होगा कि अनंत अंबानी और राधिका का माइंड सेट क्या है, क्या ये वास्तव में एक दूसरे के साथ सुंदर जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। अगर ये चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, समय आने पर इनके जीवन में परेशानियाँ तो आएंगी, किंतु ये उस परेशानी से निकल जाएंगे। अब यह समय कब आएगा, तो आप देखेंगे कि राधिका की कुंडली में जब हम मंगल का प्रोग्रेशन लेते हैं, तो मंगल के द्वितीय भाव में कोई नहीं है, तृतीय भाव में राहु है जो कि शुक्र के साथ में बैठा है, और यह मंगल को अर्थात पति को किसी न किसी तरह की परेशानी को इंडिकेट करता है। और उसी तरह से जब अनंत की कुंडली में हम शुक्र की स्थिति देखते हैं, तो हम देखते हैं कि शुक्र के भी तृतीय भाव में केतु है। इसे नाड़ी ज्योतिष में प्रोग्रेशन की स्थिति कहा जाता है, जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो जब हम देखते हैं कि मंगल अपने प्रोग्रेशन में सीधा राहु से मिलेगा और अनंत की कुंडली में शुक्र अपने प्रोग्रेशन में सीधा केतु से मिलेगा, तो यह स्थिति दिखाते हैं कि अब से 3 वर्ष बाद इनके जीवन में 3 से 4.5 वर्ष की समय में इनके जीवन में कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में परेशानियां आएंगी। अब ये 3 से 4.5 वर्ष का समय कैसे निकला प्रोग्रेशन में, मैं आपको ये बता देता हूँ। हालांकि प्रोग्रेशन अपने आप में बहुत ही विस्तृत विषय है, इसको हम किसी एक वीडियो में या किसी एक होरोस्कोप में नहीं समझ सकते। प्रोग्रेशन अपने आप में प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, इसके लिए कोई फिक्स सूत्र भी मैं आपको नहीं दे सकता। केवल अपने कोर्सेज में मैं आपको डिटेल में उसके अनुभव करा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। तो जब हम प्रोग्रेशन लेंगे तो मंगल का पहला वर्ष सिंह राशि, द्वितीय वर्ष
कन्या राशि और तृतीय वर्ष तुला राशि मिलेंगे, अर्थात मंगल को राहु का प्रभाव लेने में लगभग 3 वर्ष लग जाएंगे। और उसी तरह से हम राहु का प्रोग्रेशन लेंगे तो राहु का 1.5 वर्ष तुला राशि, 1.5 वर्ष कन्या राशि और 1.5 वर्ष सिंह राशि, अर्थात 4.5 वर्ष राहु को अपना प्रभाव मंगल को देने में लगेंगे। इसी तरह से अनंत की कुंडली में भी शुक्र का 1वा वर्ष कुंभ राशि, द्वितीय वर्ष मीन राशि और तृतीय वर्ष मेष राशि, अर्थात शुक्र को केतु का प्रभाव लेने में 3 वर्ष लगेंगे और केतु को शुक्र का प्रभाव लेने में 4.5 वर्ष लगेंगे, अर्थात 3 से 5 वर्ष विवाह के बाद, विवाह के 3 से 5 वर्ष के अंतराल में इनके जीवन में वैवाहिक समस्या आएंगी अथवा इन दोनों में से किसी एक का स्वास्थ्य अत्यधिक प्रभावित हो सकता है। जैसे कि अनंत की कुंडली में अगर हम देखते हैं गुरु की स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो संभव है कि अब से 3 से 5 वर्ष के बीच में अनंत अंबानी को शारीरिक व्याधियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जो कि इनके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार के कष्ट का कारण बने। अब कई बार होता क्या है कि कुछ लोगों की जन्म कुंडली में इस तरह के योग बनते हैं जो कि सेपरेशन को बहुत ही क्लियरली दिखा रहे होते हैं, किंतु वहाँ पर वे लोग अपने काम की वजह से या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक दूसरे से अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं कि भाई विदेश जाकर काम करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं कि एक ही घर के अंदर रह रहे हैं मगर अलग अलग बेड पर सो रहे हैं, तो उन स्थितियों में लीगल डाइवोर्स की कंडीशन नहीं बनती। तो अगर इनके बीच में 5 वर्ष तक अगर इस तरह की कोई स्थिति नहीं बनती है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये इस बैड फेस को संभालने में सक्षम होंगे। तो विवाह के 3 से 5 वर्ष, विवाह के बाद 3रे वर्ष से 5वें वर्ष तक का समय इनके लिए थोड़ा सा टिपिकल है। अगर इन्होंने यह समय संभाल लिया तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में इनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो सकता है। इस जन्म कुंडली को हम अपनी आने वाली वीडियो में पाराशरी ज्योतिष के अनुसार, वैदिक ज्योतिष के अनुसार, चंद्र लगन के अनुसार भी विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे और उससे जानेंगे कि इनका वैवाहिक जीवन कैसे रहने वाला है। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा अष्टसूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।